नमस्कार, आपका मंगल हो। आज मैं एक विशेष विषय पे बात कर रहा हूं। सब लोग बातें करते हैं, सब लोग कहते हैं, लेकिन कथनी करनी में अंतर हो जाता है। मैंने अभी इससे पहले की वीडियो में एक बात कही थी कि हमें किसी के निजी जीवन में ताका झांकी नहीं करना। कौन कैसा रहता है, क्या करता है, क्या नहीं करता, हमें क्या मतलब है। लेकिन हमारा एक चीज जरूर होना चाहिए कि हम जितना बोलें, जितना कहें, उतना करें भी। मैं यहाँ पर एक विशेष विषय पा रहा हूँ, आडंबर रहित कार्यक्रम। बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, जैसे बच्चा पैदा होना। उस बच्चे पैदा होने से पहले भी सात पुरोहित कई कई जगह, जैसे राजस्थान आदि में सातवें महीने में पूजा होती है। पूजा करना बुरी बात नहीं, करिए जी, खूब करिए। लेकिन कई लोगों ने, अधिकांश लोगों ने इसको सातपुराई बोलते हैं, इसको भी एक वो बना दिया, पूरी तरह समारोह बना दिया जो कि आम आदमी के बस में नहीं होता है। गंगा प्रसादी, उसको भी एक समारोह का रूप दे दिया जाता है। आप थोड़े से अपने परिवार को बस बुला के और जैसा भी कुछ करना है वो गंगा प्रसादी, आप सब समझते हैं, उतना कर दीजिए, क्या जरूरत उसको इतना बड़ा भारी करना। जन्मदिन, जन्मदिन मनाओ, कोई मना नहीं है, मैं उसमें भी नहीं जाता। मैं उस चीज़ के लिए भी बिल्कुल मैं विरोध नहीं करता कि मतलब एकदम से कि जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए, लेकिन उसको एक समारोह का रूप देना, बहुत व्यापक स्तर पर करना, बाल उतराई झड़ूला जिसको बोलते हैं, प्रयोजन बोलते हैं, ये सब चीज़ें करने में बुराई नहीं है। शास्त्रों के हिसाब से जो भी कुछ करना है करिए, लेकिन उसको जब बहुत व्यापक रूप दे जाता है, एक समारोह का रूप दे जाता है, तो बड़ी दिक्कत आम आदमी को हो जाती है। और विवाह, विवाह तो आजकल बड़े से बड़े तो हो ही रहे थे, लेकिन साथ में तो बाहुबल का भी उसमें वो हो गया कि हमारे पास कितनी शक्ति है, कितने लोग हमारे हैं, अपने आप को बाहुबली प्रदर्शित करने का एक काम शुरू हो चुका है। मेरा मानना यह है, सब लोग कहते हैं कि नहीं, आडंबर रहित होना चाहिए, लेकिन जो कहते हैं वो तो करते नहीं। क्योंकि जब अपनी पाती, अपने बच्चों की शादी आती, सब कुछ आती, सबकी आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं, ऐसे नहीं होगा। फिर ध्यान देना, रीति रिवाज को कहीं से भी शास्त्रों ने मना नहीं करा है, लेकिन बहुत ज़्यादा आडंबर करने के लिए मना करा है, उसको सोसेबाजी करने के लिए मना करा है, क्योंकि अपनी बारी में सब लोग करते हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, शास्त्र सनातन वैदिक धर्म क्या बोलता है, कोई भी मांगलिक कार्य, ध्यान दीजिए, कोई मांगलिक कार्य, चाहे मुहूर्त हो, चाहे मकान का मुहूर्त हो, नीव मुहूर्त हो, विवाह हो, कुछ भी मांगलिक कार्य हो, ये सूर्यास्त से पहले हो जाने चाहिए। रात्रि की जितनी भी तरीके हैं इस तरह वालों में, गृहस्थियों के लिए, सब तामसिक में आती हैं। ये कब से परंपरा चली इसके लिए तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये चली ऐसी है कि जिसके कारण से अब परंपरा प्रथा बन के रहेगी कि नहीं जी, नहीं, रात्रि सावे हैं, रात्रि वो है, लेकिन आप गहरे शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तब पाएंगे कि रात्रि का कोई सावा नहीं निकलता था प्राचीन समय। सबके सब सूर्य से पहले लास्ट गोधूली वेला होती थी, सूर्य उगने के बाद से लेकर लास्ट गोधूली वेला तक में आप किसी प्रकार के मांगलिक कार्य कर सकते हैं। कुछ विशेष यज्ञ, मांगलिक कार्य से हटकर कुछ विशेष कार्य के लिए कुछ यज्ञ हवन आदि जो होते हैं, पूजा पाठ, वो विद्वानों पर निर्भर करता है कि वो किस समय करना, क्या करना। लेकिन फिर से ध्यान दीजिए, विवाह, नीम मुहूर्त, मकान का मुहूर्त या किसी भी चीज़ का मुहूर्त, और भी मांगलिक कार्य जो होते हैं, झड़ूला उतराई, बाल उतराई, आपके जितने भी होते हैं, इस सब के सब सूर्यास्त से पहले के हैं। बाकी इस चीज़ के लिए आपको समझना है, आखिर कौन है वो जो इस चीज़ की परंपरा को तोड़ेगा। आप लोग कहते हैं कि हम क्या कहते हैं, बच्चों मेरी बात पर गौर करना, या आप नौजवान बच्चों के लिए मैं सारी बात करता हूं, लिखता भी और बोलता भी हूं। ठीक है, सुनने वाले तो सब बड़े भी हैं, छोटे भी सब तरह के हैं, लेकिन खास तौर पर आपको समझना आपको है। बड़े लोगों के पास ज्ञान है, उनको नहीं कह रहा मैं, आप नौजवान बच्चों करके आपको फुर्सत भी नहीं मिलती है।
बच्चों समाज का डर मत दिखाइए, मत देखिए, समाज कौन आप और हम मिलके। आज आप अपने गरीबान में झांक के देखिए, समाज कौन जो आपके आसपास लोग रहते हैं जिनको आप जानते हैं, आपका पड़ोसी, आपका मित्र, आपके रिश्तेदार, बस और कोई परिचित, बस यही समाज होता है। आज आप जिस शहर में रहते, क्या सारा शहर जानता आपको? नहीं जानता। तो फिर ये एक अलग बात है, व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है, किसी को पूरा देश जानता है, किसी को पूरा शहर जानता है, गांव जानता है, मोहल्ला जानता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन समाज कौन जो हमारे आसपास है? समाज क्या? समाज में तो आप गलत करोगे तो भी उसको चिल्लाना है, अच्छा करोगे तो भी उसमें कमियां निकालनी है। समाज का एक सिस्टम है कि जब हम अच्छा करते हैं तब भी उसमें कमियां निकालेंगे, कुछ अच्छी बात करेंगे कुछ कमियां निकालेंगे, इसलिए नहीं। हमें अपने आप में क्या करना है उस पर ध्यान दीजिए। वो मत करो जो दूसरे करते हैं नकारात्मक, वो मत करिए जो दूसरे नकारात्मक करते हैं, वो मत करिए। आप अपने सिद्धांत पे चलिए, अपने हिसाब चलिए। मैं इतना नहीं कहता कि बहुत कठोर सिद्धांतिक होना चाहिए, कठोर सिद्धांतिक होने से आजकल काम नहीं चलता, लेकिन हमें कुछ चीज़ों में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आज आप विवाह करते हैं, चलिए उदाहरण के लिए, इसका अर्थ ये नहीं कि उसके अंदर आप बहुत सारे सोसेबाजी करें, आप रीति रिवाज का पूरी तरह पालन करिए। आप विद्वान की इज्जत रखते हुए, उनको सजदा करते हुए एक ही चीज़ कहिए कि हे पंडित जी, आप मेरी शादी बहुत अच्छे ढंग से करवाइए, पूरे विधि विधान से कराइए, आपकी दक्षिणा हमारी तरफ से पूरी है। देखिए वो कितने आशीर्वाद के ढंग से करते हैं, उनको इज्जत के साथ करिए। लेकिन होता है पंडित जी जल्दी जल्दी करो, पंडित जी जल्दी जल्दी करो, नहीं बात बनती। इसी प्रकार से विवाह वगैरह सब कुछ जो भी कुछ करना है एक समय पर कर लीजिए, ताकि आज एक परंपरा बन चुकी है, लोग आते हैं चले जाते हैं, दूल्हा दुल्हन होते नहीं है। क्या मतलब बना जी, टाइम पे शादी हो जाए, गोधूली वेला तक, सुबह से लेकर गोधूली, सूर्य उगने से लेकर गोधूली वेला तक शादी हो जाए, उसके बाद लोग सब आते हैं धीरे धीरे करते हुए, सबके साथ बैठना मिलना होता है, हंसना बोलना होता है, सारी चीज़ होती है। तो आखिर इन परंपराओं को, कुछ ऐसी परंपरा बन चुकी नकारात्मक, इनको कौन तोड़ेगा? घोड़ी बैठने का 2-2.5 घंटे 3 घंटे तो कहते हैं आपके डांस नाचने में लग जाते हैं, किस लिए? घर से सीधा समारोह स्थल तक गाड़ी में जाइए, वहीं पे घोड़ी बैठ के रस्म जो एक रीति रिवाज होता है उसको पूरा करिए, और आधी घंटे डांस नाच करके अपना 30-40 मिनट अपना एंट्री करिए, होना तो ये चाहिए। तो खैर, इस समाज के हिसाब से अगर हम समाज के लिए अच्छा चिंतन करना, ये अच्छी बात है चिंतनमन करना, लेकिन बहुत कुछ समाज के हिसाब से अपने को ये कहना जी समाज क्या कहेगा, हमने तो लोगों का खाया, किसने मना करा जी? आप विवाह टाइम पे करिए, लेकिन उसके बाद जो आपको पार्टी करनी है वो रात को चल रही है ना जी आपकी, और क्या हो सकता है, या दिन के दिन में चल रही है ना जी, लोग खा रहे हैं ना जी, किसने मना करा आपको? हम लोगों ने करा अपने बच्चों की शादी, कोई लंबी चौड़ी उसके अंदर वो नहीं करी, पर करिया बहुत, हमने किसी को नहीं बुलाया। क्या समाज मेरा नहीं था? क्या समाज हमें नहीं कह रहा था? अपने अपने सिद्धांत होते हैं, अपनी अपनी बातें होती हैं। तो हम बस मैं इतना ही कहूँगा, वीडियो लंबा हो रहा है, कि हमें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। मंगल आपका।